कि अंबेडकर जी क्या है। दोस्त, इस देश को भारत माता की जय कहने का मौका अंबेडकर जी ने दिया है। जब बाकी देश भी कर रहे थे ना, तो भारत को एकजुट रखने वाला संविधान किसने दिया? अंबेडकर जी ने दिया। भारत के निर्माण के लिए जरूरी थी बिजली और खेती के लिए बड़े डैम, वो काम भी अंबेडकर जी ने किया। स्त्रियों को जायदाद में समान हिस्सा, समान वेतन और गर्भवती महिलाओं को पूरे वेतन के साथ छुट्टी देकर तुम्हारी झोली में माँ का प्यार और उसका दुलार किसने दिया? अंबेडकर जी ने दिया। बुढ़ापे में शायद तुम्हारे हाथ पैर काम न करे, ये सोचकर पीएफ किसने दिया? अंबेडकर जी ने दिया। इस देश पर शासन कौन करेगा, यही तय करने के लिए सबको समान मतदान का हक किसने दिया? अंबेडकर जी ने दिया। आजादी के बाद इस देश में सारे धर्म एक दूसरे पर हावी हो जाते थे, उन सारे भगवानों को पनाह देने का काम किसने किया? अंबेडकर जी ने किया। बस कुछ लोग अभी भी अनजान है इस बात से, लेकिन जो लोग जान चुके हैं वो लोग आ जाते हैं चैत्य भूमि पर बाबा साहब को वंदन करने, एक साल के बच्चे से लेकर 100 साल के बूढ़े तक। बाबा साहब के नाम का फायदा चुपके से सब लेते हैं, पर जो सीना तान के खड़े रहते हैं वो सबकी आंखों में चुभते हैं। पता नहीं कितने स्पॉन्सर नेता खड़े किए गए बाबा साहब के सामने, सब के सब मिट गए। इतना पैसा फेंकने के बाद भी बस